सभी प्यारे साथियों को मेरा सादर नमन। आर्ट ऑफ लिविंग के इस 32वें एपिसोड पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का बड़ा प्यारा सा विषय है, बड़ा रोचक भी है, विज्ञान और विद्या, साइंस एंड नॉलेज। मनुष्य के मन के लिए बढ़िया से बढ़िया काम है उस जगत पिता के कार्यों का मनन करना, जो प्रभु ने नियम बनाए हैं, जो काम बनाए हैं उनका मनन करना। प्रकृति के विज्ञान से जिसे प्रसन्नता होती है उसके लिए प्रत्येक वस्तु ईश्वर की प्रमाणभूत है। प्रत्येक वस्तु जो ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करती है इस बात का कारण बताती है कि ईश्वर की पूजा आराधना क्यों करनी चाहिए। उसका मन प्रतिक्षण आकाश तक ऊंचा उठता रहता है, उसका जीवन भक्ति युक्त कार्यों की एक श्रृंखला ही है। जब वो बादलों की ओर अपनी आंखें उठाता है तो क्या आकाश को चमत्कारों से पूर्ण नहीं पाता। जब वो नीचे पृथ्वी की ओर देखता है तो क्या कीड़े मकोड़े उसे चिल्लाकर नहीं कहते कि उस सर्वशक्तिमान की अपेक्षा कोई भी यत् किंचित न्यून शक्ति हमें नहीं बना सकती। ग्रह और नक्षत्र अपने मार्गों में कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, सूर्य सदा अपने ही स्थान में बना रहता है, धूमकेतु आकाश मंडल में भ्रमण करता है और अपने निश्चित मार्ग पर पुनः लौट जाता है। हे मनुष्य बता तो, इस को ईश्वर के सिवा और कौन बना सकता है। उसके अनंत ज्ञान के सिवा कौन उनके नियमों की रचना कर सकता था। उसकी दीप्ति जाज्वल्य होते हुए भी कभी क्षीण नहीं होते। उसकी गति अत्यंत द्रुत होते हुए भी कोई एक दूसरे के मार्ग में भ्रमण नहीं करता। पृथ्वी की ओर दृष्टि डालो और देखो कि उस पर क्या क्या पैदा होता है। उसके गर्भ की जांच करो और देख कि उसमें क्या क्या भरा है। क्या ज्ञान और शक्ति के बिना इनका अस्तित्व संभव है। घास को बढ़ने का हुक्म कौन देता है, कौन उसे मौसम पर पानी लाकर देता है। बैल उसको काटता है और घोड़ा अन्य पशु उससे अपना पेट भरता है। वह कौन है जो उन्हें देता है। जो अनाज तू बोता है उसे कौन बढ़ाता है। कौन तुझे उसका हजार गुना करके देता है। आम और अंगूर को कौन तेरे लिए समय पर पकाता है, क्या तू उसे जानता है। क्या क्षुद्र से क्षुद्र मक्खी भी अपने आप पैदा हो सकती है। और यदि तू ईश्वर से कुछ भी छोटा होता तो क्या उसे वैसा बना सकता था। पशु जानते हैं कि हम जीवित हैं परंतु इस पर उन्हें आश्चर्य नहीं होता। वे अपने जीवन को पाकर खुश होते हैं परंतु यह नहीं जानते कि इसका अंत भी होगा। हर प्राणी क्रम से अपना काम करता है और हजारों पीढ़ियां हो जाने पर भी किसी प्राणी जाति की कमी नहीं होती। यदि तू अंश मात्र को देखकर संपूर्ण को दिव्य और भव्य समझता है तो उन अंशों के अंदर उस जगत पिता की महत्ता खोजने से अधिक अच्छे काम में तेरी आंखों का और उस चमत्कारों की छानबीन करने से अधिक अच्छे काम में तेरे मन का दूसरा क्या सदुपयोग हो सकता है। उनकी उत्पत्ति और रचना में शक्ति और दया भरी हुई दिखाई पड़ती है। न्याय और सौजन्य के लिए बनाई हुई जीवन सामग्री में झलकते हैं। देख तो सब लोग कैसे अपनी अपनी धुन में मस्त है। कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। इसके मुकाबले में कोरे शब्दों का अध्ययन क्या चीज है। ज्ञान किस शास्त्र में है, केवल प्रकृति के अध्ययन में। किसी ईश्वर रचित वस्तु की पूजा करने से पहले यह पता लगा कि उसका उपयोग क्या है, क्योंकि यह पृथ्वी ऐसी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं करती जो तेरे काम की भले ही न हो। क्या भोजन आच्छादन और औषधि सामग्री हमें केवल प्रकृति के द्वारा नहीं प्राप्त हुई है।
तब समझदार कौन है? वो जो इसे जानता है। समझ किसमें है? जो इसका विचार करता है। दूसरी तमाम बातों से उन्हीं को ज्यादा मान दे। फिर विज्ञान चाहे कितना ही उपयोगिता रखता हो, ज्ञान को चाहे कितना भी अभिमान हो और उनके द्वारा अपने सहवासी को लाभ पहुंचा। जीना और मरना, आज्ञा देना और आज्ञा का पालन करना, काम करना और हानि उठाना, क्या इन बातों की चिंता तुझे नहीं रखनी पड़ती? नीति और सदाचार तुझे इसका पाठ पढ़ाएंगे। जीवन का सद्व्यय, अथक मितव्यय इन्हें तेरे सामने ला कर रखेगा। देख, ये तेरे अंतःकरण में लिखे हुए हैं और तुझे सिर्फ उनकी याद दिलाने भर की देर है कि आसानी से तुझे उसका ख्याल हो जाएगा। बस तू ध्यान भर दे और तू उनको पा जाएगा। दूसरे सब शास्त्र व्यर्थ हैं, दूसरा सारा ज्ञान केवल आडंबर है। देख, वह मनुष्य के जीवन के लिए न तो आवश्यक है, न फायदेमंद, और न वह हमें अधिक अच्छा और प्रामाणिक बनाता है। तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा और दूसरे प्राणियों के प्रति उपकारशीलता, क्या ये तेरे महान कर्तव्य नहीं है? विज्ञान के ज्ञान से तू जान कि ईश्वर ने इस सत्ता को कैसे बनाया है, प्राणियों को कैसे बनाया, धरती आकाश को क्या किया है। इन सब को जानने के लिए तुझे विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, विद्या की आवश्यकता पड़ती है, ईश्वर के कार्यों के चिंतन और मनन की तरह। और कौन सी बात तुझे ईश्वर श्रद्धा की शिक्षा दे सकती है? और अपने आश्रित जनों की ही अवस्था के ज्ञान से बढ़कर तुझे उपकारशीलता प्रेरणा और किससे मिल सकती है? तो विज्ञान और विद्या का यही सार है कि इनके माध्यम हम ईश्वर की सत्ता जो उन्होंने बनाई है, जो प्राणी बनाए हैं, जो धरती बनाई है, आकाश सितारे बनाए हैं, उनके बारे में जानकारी लें और सभी को इसके बारे में अवगत कराएं और उस महान शक्ति का आदर सम्मान करें जिसने हमें बनाया, इस प्रकृति को बनाया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नई बात पर, नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।